आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 15 जुलाई से शुरू कोविड बूस्टर डोज अभियान हरदोई में तेजी से बढ़ रहा है। पूरे देश में जारी कोविड वैक्सीनेशन के अभियान के तहत हरदोई में भी 18 से अधिक उम्र के आयु वर्ग के लोगों को बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। अभियान में 18 वर्ष से अधिक आयु के जिन लोगों को कोविड 19 के टीके की दूसरी डोज लगवाए 6 महीने से अधिक का समय हो चुका है, उन्हें बूस्टर डोज लगाई जा रही है। हरदोई के सिटी मजिस्ट्रेट सदानंद गुप्ता ने बताया कि इस कार्यक्रम को हरदोई में मिशन मोड में चलाया जा रहा है। जो टीकाकरण का लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लिया है और जनपद हरदोई में फर्स्ट डोज में 102% हमारा टीकाकरण हो चुका है, सेकेंड डोज में 99% हो चुका है और एक या एक से अधिक खुराक की संख्या 32 लाख से भी ऊपर हो चुकी है। 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों का बूस्टर डोज जो है 50,000 से ज्यादा लग चुका है। टीकाकरण केंद्र जो है जो निर्धारित लक्ष्य था उससे भी ज्यादा 102% यानी 400 केंद्रों पर हम लोग टीकाकरण करते हैं। महिलाओं का टीकाकरण 31 लाख से ज्यादा हो चुका है। 15 से 18 वर्ष के बीच के किशोरों का एक खुराक दिया जा चुका है। आज मैंने कोरोना का बूस्टर डोज लिया है। जिस समय हमारा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था उस समय हमारे देश की भारत सरकार ने हमको एक ऐसी दवा उपलब्ध कराई जिससे हम आज अपने परिवार को और खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और मैं इसके लिए भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। शुक्रिया। आज मैंने बूस्टर डोज ली है। जिस समय कोरोना महामारी से हमारा देश जूझ रहा था उस समय भारत सरकार ने हमें एक ऐसी दवाई उपलब्ध कराई जिसे हम और हमारा परिवार सुरक्षित महसूस कर रहा है। इसके लिए भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।